सुन लिया कि अगर हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो वो रिवेंज यू नो बदला जरूर लेता है। अब वो किस रूप में लेगा उसका कुछ नहीं है। यहाँ कोने से निकाला, मैंने पहले चेक किया है, इधर कोने पे हाइट है, पानी कम है, बीच में से निकालोगे पानी ज्यादा है। कोने कोने से निकालना पूरा, ये देखो भाई। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल एवरी वन, माई नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विथ पीस। सो आज है 26, सो लगभग अभी बज रहे हैं 11:35 हो रहे हैं रात के। सो आप सोच रहे हो इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली है और जो उत्तराखंड की राइड थी वो भी कंप्लीट नहीं की, आते हुए का भी व्लॉग नहीं डाला। सो एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ से आने के बाद मैंने ये है हार्ड डिस्क 2 TB की सीगेट की, तो मैं सारा डेटा इसके अंदर कॉपी करता हूँ जितना भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो अचानक से क्या हुआ कि ऑलमोस्ट सारे व्लॉग बन चुके थे और जो लास्ट के 2 व्लॉग थे वो ये हार्ड डिस्क हो गई करप्ट और सारा डेटा हो गया ख़राब। फिलहाल अभी निकल रहे हैं हम लोग राइड के लिए और इस बार फिर से हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों में और पहाड़ों की खूबसूरती मैं इस बार आपको कुछ अलग ही तरीके से दिखाने वाला हूँ। फिर लेट हो चुका है, लक्ष्य भाई का भी फ़ोन आ चुका है, तो मैं ऑलमोस्ट सारा सामान तो लगा चुका हूँ बाइक पे, बस एक टैंक बैग रह गया है। बाय द वे मैंने ब्लैक पर्पल जो मैं बैग यूज़ करता हूँ पैनियर्स के ऊपर, तो मैंने अभी ये 2 बैग्स मंगाए हैं, ये लक्ष्य भाई के लिए मंगाए हैं। ये 2 बैग मैं लक्ष्य भाई को गिफ्ट करने वाला हूँ अपनी तरफ से। फिलहाल निकलते हैं राइड पर, मैं मिलता हूँ आपको रोड के ऊपर। तुमसे ना हो पाएगा किसी के लिए, नहीं हो पाएगा सो अप्रॉक्स 130 किलोमीटर डन हो चुका है दिल्ली से और हम लोग हैं कुछ मयूर ढाबा पे। सो अब तक की राइड कैसी रही, मैं सबसे पहले मिलाता हूँ हर्षित भाई से। कैसे सर? सो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि मैंने इस टाइम बाइक में क्या क्या थोड़े से चेंजेस किए हैं। फिलहाल मैंने विंडशील्ड का राइजर लगाया बिकॉज पहले क्या होता था, विंड आती थी यहाँ टकराती थी सीधे मेरे फेस पे पड़ती थी हेलमेट पे, तो अब क्या होगा कि इसके लगाने से विंड यहाँ टकराएगी, यहाँ से लग के फिर सीधे ऊपर से निकल जाएगी। देन उसके बाद मैंने HJG की लाइट, तो मैंने ये भी नया मॉडिफिकेशन कराया और जो मेरी पहले वाली लाइट थी वो भी HJG की थी, तो वो मैंने नीचे शिफ्ट करा दिया। तो इसके बाद साइड में आपको बता देता हूँ, ये है एम्पाउचर जिसमें वाटर बॉटल और आपका फ्यूल बॉटल रहता है, टैंक बैग हो गया। ये बैग है जिसके अंदर में हम लोग फूड कैरी करते हैं, तो ये है ब्लैक पर्पल। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि ब्लैक पर्पल क्या है, तो ब्लैक पर्पल है ये वाले बैग जो साइड पैनियर्स के ऊपर लगता है और मेरे टॉप बॉक्स के ऊपर लगता है जिसके अंदर में सारा स्टफ। ओके, इंटरकॉम कनेक्टेड? कनेक्टेड। सो ब्रेकफास्ट का डन हो गया है, निकल रहे हैं। दिस इज़ इंटरसेप्टर, ये हर्षित बाइक की बाइक है, एंड सुल्तान दिस इज़ निम्बस BS4। सो लेट्स गो। सो लीड मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो ये GPS लगाने के लिए लगाया था फ़िलहाल, अभी लक्ष्य भाई का फ़ोन इसमें चार्ज हो रहा है तो मैंने निकाल के फ़ोन रख लिया यहाँ पे, एंड एक सेकंड फ़ोन यहाँ पे है। सो बाय द वे एक्चुअली क्या हुआ कि मैं दिल्ली से जब हम निकले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है बॉर्डर क्रॉस करने में भी, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता रिकॉर्डिंग करने में और काफ़ी सारे यू नो ट्रक्स ऐसे ऐसे करके जाते हैं,
तो बिल्कुल भी राइड करने में मज़ा नहीं आता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली क्रॉस करके मैं व्लॉग स्टार्ट करूं। सो फाइनली 130 किलोमीटर डन हो चुका है अपना। अक्षय भाई आगे जा रहे हैं, हर्षित भाई अपनी इंटरसेप्टर 650, इन्होंने राइनोक्स के सैडल बैग यूज़ करे, और मैंने ब्लैक पर्पल का जो मेरा बैग है जिसमें टेंट वगैरह, वॉशरूम टेंट वगैरह मैं जो रखता हूँ, वो मैंने हर्षित भाई के बैक रियर सीट पे मैंने रख दिया, ताकि थोड़ा वेट डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली ब्रेक इसलिए लेना पड़ा हमें क्योंकि रात को हम लोग 3 बजे के आसपास निकले थे, और सच में पूरा दिन अपना पैकिंग करते 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 थक गए, और हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं किसी ढाबे पे, तो अब थोड़ा फीलिंग गुड है, मज़ा आ रहा है अब राइड करने में भी। और एक जो वो टाइम होता है ना, रात से हम सुबह के टाइम पे जो हम कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा था कि एकदम से आइज़ को इतना उजाला ना झेलना पड़े। जो ना इंटरसेप्टर की एक बात ही अलग है, पीछे से ना डबल साइलेंसर का लुक जो आ रहा है ना, बहुत ही ऑसम आ रहा है, और सच में पावर तो है। मतलब कि हर्षित भाई ऐसे हम लोगों को ऐसे ओवरटेक करके निकलते ना गोली की तरह, बहुत एकदम मतलब फील एक अलग ही आता है। आप देख सकते हो कि अभी चलते हुए क्या मस्त लग रही है बाइक। अपना फाइनली क्रूज़ कंट्रोल ऑलवेज काम आता है, अपना क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया, और अब अपना आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, अपना हैंड्स फ्री हो गया। सो प्लान तो था हमारा चंडीगढ़ पहुंचने का कि हम लोग अंधेरे में चंडीगढ़ क्रॉस कर जाएंगे, बट क्या करें, पैकिंग करते करते हम लोग लेट हो गए और निकलने में भी लेट हो गए, तो इस वजह से दिन में ही चंडीगढ़ क्रॉस करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और मोडिफिकेशन के ऊपर चालान होने लग गया है, तो थोड़ा सा वो एक टेंशन था माइंड में, तो इसको लेके कोई इशू ना आए अपने चंडीगढ़ में। सो फाइनली 305 किलोमीटर कवर हो चुका है, और 305 किलोमीटर कवर होने के बाद सच में सामने नज़र आ रही है जन्नत। आप देख सकते हो पूरे पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सच में इस बार ना मैं आपको एक से एक मतलब पूरा तरीके से नेचर दिखाने वाला हूँ। और एक्चुअली क्या है कि देखो ऊपर पूरा भी आसमान खाली है, बादल बहुत कम है, और सामने देखो वहाँ पे एकदम स्पॉटेड और बिल्कुल बादल हो रखे हैं, मतलब कि बारिश होगी वहाँ पहाड़ों में। बट कोई बात नहीं, इस बार ना कैंपिंग करेंगे बहुत तरीके वाली। प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, क्लच वायर टूट गया, शुक्र है मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैंने वो डलवा लिया। अब ये स्लश वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, बिकॉज छोटी सी गलती और आप कीचड़ में नहा जाओगे। खैर ये स्लश तो कुछ नहीं है, जब मैं लास्ट ईयर रोहतांग पास से नीचे गया था कोकसर विलेज, तो भाई साहब वो था स्लश। तो सुंदर नगर में एंट्री होते ही नज़ारा हो गया सुंदर, बिल्कुल बारिश वाला मौसम, आहा फुल हरियाली चारों तरफ। ओ बेटे कितना बड़ा पत्थर है ये। कुछ प्रॉब्लम लग रही है बाइक में, कुछ प्रॉब्लम है, बबलिंग हो रही है, बबलिंग हो रही है। हाँ आगे वाले टायर में हवा कम है, पीछे ठीक है, आगे वाले टायर में वो हवा कम है। अंकल उड़ाओगे क्या?
तो अगर आप सुंदर नगर आ रहे हो, आई मीन जो मनाली जा रहे हो या कुछ भी जा रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी लेना हो तो सुंदर नगर में सब कुछ अवेलेबल है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे पहले 2-3 बार आ चुका हूँ, तो लेफ्ट साइड में पूरा डैम बना हुआ है, पूरी एक लेक सी बना रखी है। और ये है बस स्टैंड सुंदर नगर का, पूरा बस टर्मिनल बना हुआ है, यहीं से आपको मनाली के लिए और आगे जाने के लिए भी बस मिलेगी। और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो होटल्स तो ये सारे अवेलेबल है, और यहाँ पे आप खाना, ये यहाँ पे बहुत अच्छा फूड मिलता है। और इसी से पहले एक और रेस्टोरेंट है, उसमें स्पेशल थाली भी मिलती है, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि अभी डैम पड़ेगा, ये है उसकी पूरी लेक। ओहो सुपर, यह सामने आ गया डैम। पता नहीं क्यों डैम को देखते मुझे कुछ अलग सा एडवेंचर सा फील होने लगता है, पता नहीं क्या, बिल्कुल सॉलिड इंजीनियरिंग किए थे। ये देखो ये बना हुआ डैम, ये लेक है, ये बिल्कुल पीछे से ही आ रही है। सुबह के टाइम पे क्या होता है, पूरा इसमें से फॉग निकल के आता है और पूरा ये रोड फॉगी हो जाता है। ओह क्या नज़ारा होता है सुबह के टाइम पे यहाँ पर। और ये देखो, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, तो वहाँ एक मंदिर है ऊपर की तरफ, शीतला माता मंदिर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऊपर ही गया था। वहीं से अंदर से की तरफ जाते हैं तो उधर कहीं पहाड़ों के पीछे रेवालसर नाम की एक फेमस जगह है, उन पहाड़ों के पीछे। ये फ़ायदा होता है 2-3 जगह में राइड करने का, कि अगर किसी का कुछ सामान गिरता है। टाइगर से कम नहीं लग रही अपनी बाइक, लुक एट दिस, ओ मैन। इसका अच्छे से अटका देते और चलते। ओके सो ये जो आपको GPS माउंट दिख रहा है, ये मैंने क्यों लगाया, आई नो इससे आगे का व्यू थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, बट ये लगाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ये वाला जो मोबाइल है ये यहाँ लगा हुआ है। और क्या होता है कि जैसे अभी ये टर्न आते हैं एकदम से, तो हम इस तरीके से देखते हैं, और यहाँ देखने के चक्कर में क्या होता है, आगे बहुत ज़्यादा ही क्लोज टर्न आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी चांसेस हो जाते हैं टक्कर होने के। तो इसीलिए मैंने ये GPS माउंट यहाँ सेट कराया, और इसके लिए मैंने ये कवर लिया रेन वाला। इसमें क्या था कि इसमें वैसा प्लास्टिक वाला GPS माउंट को अटैच करने का ऑप्शन था, बट उसे लगाने के बाद क्या हो रहा था कि ये माउंटिंग यहाँ आ रही थी बहुत ज़्यादा के, जिसकी वजह से जिसके ये मीटर पूरा हाइट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इसमें ये वेलक्रो वो वाला ऑप्शन निकाल के वेलक्रो इसमें अटैच करवा दिया, अपना GPS माउंट प्रॉपर रेडी हो गया, जो उससे सेट भी हो गया और मेरा मीटर भी शो कर रहा है। अगर बारिश भी आएगी ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब कुछ अच्छे से सेटअप है, GPS पूरा एक्यूरेट मुझे दिखता रहेगा और मैं कंटिन्यू राइड करता रहूँगा। ओके सो यहाँ ब्रेक लिया है हमने ग्रोसरी, यू नो प्याज वगैरह ख़रीदने के लिए, बिकॉज रात को डिनर करना है तो वो सब कुछ तो चाहिए होगा, तो सोचा ले लेते हैं वहाँ पहुँचने से पहले। भैया प्याज कितने रुपए किलो है? 40 रुपए भैया। 40 रुपए किलो प्याज है, तो टमाटर भी मिलेंगे? टमाटर नहीं होंगे, टमाटर नहीं है तो आधा किलो प्याज दे दो। क्या होता था पहले, मैं ना सारा सामान दाल वाल ये सब कुछ ना लेके चलता था दिल्ली से, बट अब एक्चुअली क्या है कि हमारा इंडिया इतना डेवलप हो गया है कि आप किसी भी एरिया में चले जाओ आपको सारा सामान मिल जाता है। इवन आप यकीन करोगे, ये वाला जो मसाला है किचन किंग, ये दिल्ली में भी पता है किसी किसी दुकान पे अवेलेबल नहीं होता है, बट सोचो ऐसे एरिया में ये किचन किंग मसाला यहाँ अवेलेबल है।
आई नो काफ़ी लोगों को ये मसाला नहीं समझ आएगा क्योंकि कुकिंग नहीं करते, जो कुकिंग करते हैं उन लोगों को समझ आ जाएगा कि किचन की एमडीएच का है और वो भी एमडीएच का भैया बता रहे हैं एग्जैक्टली एमडीएच का है। देख लो मतलब कितना डेवलप हो गया हमारा इंडिया और आने वाले टाइम में और डेवलप हो जाएगा। तो अभी आप भैया की शॉप देख लो, सारा सामान अवेलेबल है तो टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। और कुछ दिनों में अभी रोड का काम भी चल रहा है तो रोड भी बन जाएगा इस एरिया में, बाकी आगे तो क्लियर है, आगे ठीक है ना भैया रोड? ये भी इसकी वजह से हुआ है ना, लाइट की वजह। अच्छा लैंडस्लाइड हुआ, हुआ है यहाँ पुल था आगे। अच्छा अच्छा पुल बह गया है यहाँ तो नया पुल क्या हुआ। कितने टाइम कितने दिन पहले हुआ था? 5-6 साल पहले 2013 तो होता रहता है पहाड़ी एरिया तो ये सब कुछ होता रहता है। चलो अपने ग्रोसरी होता क्या रहता है, जितने रोड निकलेंगे कुदरत से जितनी छेड़छाड़। सही बात है, तो खामियाजा भी हमें भुगतेंगे। एग्जैक्टली ये काम है। तो सुन लिया कि अगर हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना तो वो रिवेंज यू नो बदला जरूर लेता है। अब वो किस रूप में लेगा उसका कुछ नहीं कह सकते। तो चलो अपना ग्रोसरी ले लिया, चावल दाल ब्रेड के पैकेट पनीर हो गया मसाले हो गए, निकलते हैं मिलते हैं आपको रोड पे। सो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो एक एक इंची सोच के बढ़ाता हूँ, तो सेम वही सिचुएशन है क्योंकि यहाँ गिरना, लगेज गीला करना और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना हो सकता है। तो मैं जब ऑफ रोड राइड पर गया था हिमालयन पे, वहाँ तो काफ़ी सारे लोग थे बट यहाँ पे सिर्फ अभी 2 जने हैं। अगर मैं अकेला होता तो मैं यहाँ से किसी से पक्का हेल्प लेता बट अभी मेरे साथ 2 जने हैं तो मैं अपने टर्न की वेट करूँगा क्योंकि मुझे अभी मैंने इतनी इस लेवल की वाटर क्रॉसिंग फ़िलहाल अभी नहीं किया है। खैर ज़्यादा नहीं है, बस इसमें हाफ टायर इसमें भीगेगा तो आई होप मैं गिरूँ ना और ये वाटर क्रॉसिंग इजीली हो जाए। फ़िलहाल अभी हर्षित अभी लीड कर रहा है और सेकंड नंबर पे लक्ष्य भाई जाएंगे, थर्ड नंबर पे मैं जाऊँगा इनकेस अगर मैं गिरा तो वो मुझे हेल्प कर सके। रेडी? चलो यहाँ कोने से निकाला, मैंने पहले चेक किया है इधर कोने पे हाइट है पानी कम है, बीच में से निकालोगे पानी ज़्यादा है, कोने कोने से निकालना पूरा। ये देखो भाई, भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं, पहले तुम निकालो यार। ओबे यहाँ बात हो रही थी मेरे गिरने की कि मैं कभी गिर ना जाऊँ, इन लोगों की वेट कर रहा था और यहाँ लक्ष्य भाई की बाइक गिर गई। वैसे हिमालय गिरी हुई हिमालयन भी अच्छी लगती है। आप दोनों वहां से लगो, ध्यान रखना घिसे ना वरना पैनियर पे स्क्रैच आएंगे, एक साथ उठाना पूरा। तो मैं आपको मिस कॉल भी दिखा दूंगा, मिस कॉल के कॉल भी दिखा दूंगा। तो उस टाइम हो रही थी 2:48 हो रहे थे तो लक्ष्य भाई मेरी जेब में फोन है ना, मेरे फोन से तो किया था। अच्छा तो कहते हैं लक्ष्य भाई कोई आया है, अब इन्होंने जैसे ही बोला ना कोई आया है हालत खराब हो गई। ये देखो 2:55 को ये देखो मेरे पापा की कॉल आई है, ये वाला नंबर तो क्या हुआ कोई आया। ओ भाई हालत खराब, क्योंकि यहाँ पे के लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला जानवर वगैरह तो यहाँ है नहीं। तो फिर खोल के देखा तो कह रहे भाई देखो, मैंने कहा यार बाहर जाने तो बेवकूफ़ी है इस टाइम पे, रात को अगर बाई चांस लेपर्ड वगैरह भी होता तो अटैक कर देगा। तो जैसे तैसे लेट गए पर फिर एकदम से बोलते 2 जने 2 जने